इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूँ निर्मला राव। आज हम बात करेंगे मदरसों की, खास करके बिजनौर के उस मदरसे की जहाँ हथियारों का एक जखीरा पकड़ा गया है, जहाँ पे बहुत सारे जिंदा कारतूस और पिस्टल पकड़े गए हैं। बात यह नहीं है कि हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, मगर चिंता का विषय ये है कि ये एक मदरसे में पकड़ा गया है। एक मदरसा जहाँ इल्म दिया जाता है, जहाँ उस्ताद जी छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं कि वो बड़ा होके एक नेक इंसान बन सके, मगर शायद ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। शायद एक बहुत कुछ गलत चल रहा है जो हमारी नजरों से दूर है। आइए देखते हैं दरअसल पूरा मामला क्या है और क्या हो रहा है इन मदरसों में। कुछ दिन पहले आरोप लगा कि पश्चिम बंगाल के मदरसों में आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है, और अब यहाँ बिजनौर के मदरसे में हथियारों की इतनी बड़ी फैक्ट्री मिली, इतना बड़ा जखीरा मिला। ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। दवा के ये डब्बे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई दवा में नहीं, इनमें दहशत का सामान है जो यूपी पुलिस ने मदरसे में छापामारी करके पकड़े हैं। और बिजनौर में ये मदरसा है, यूपी के एडीएस ने जब भी मदरसे में दाखिल किया तो उसके होश उड़ गए। पुलिस को मदरसे में भारी मात्रा में हथियारों का यह जखीरा मिला और यह आतंक का सामान इन दवाइयों के डिब्बों में रखा हुआ था। ने छापा मारा तो सूचना सही साबित हुई और पुलिस का कहना है कि मदरसे की आड़ में आतंक का व्यापार हो रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस को चकमा देने के लिए हिंदू प्रतीक चिन्हों वाली कार का इस्तेमाल किया जा रहा था और पुलिस ने जो कार बरामद की है उसमें हिंदू चिन्ह बना हुआ था। फिलहाल पुलिस 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। जांच में यह खुलासा भी हुआ है कि ये मदरसा 10 साल से बिना इजाजत के चल रहा था। इस मदरसे में 24 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे थे। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे और कैसे पढ़ रहे होंगे। ना रजिस्ट्रेशन 4 साल से चल रहा था। मदरसा शेरकोट का दारुल कुरान हमीदिया रजिस्टर्ड नहीं है और बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसे में 4 साल के बच्चों को तालीम देने का काम चल रहा था। मदरसे के हथियार पकड़े जाने के बाद ये पूरा खुलासा हुआ है। इससे पहले ये जानकारी किसी को भी नहीं थी। दरअसल ये पूरा मामला सामने भी नहीं आता अगर इन लोगों में आपसी विवाद नहीं होता। मदरसे के संचालक मोहम्मद साजिद से एक व्यक्ति का विवाद हो गया तो उसी वजह से पुलिस मदरसे से यह हथियार पकड़ पाई। इस व्यक्ति ने पुलिस को मदरसे से हथियार सप्लाई होने के बारे में मुखबिर जानकारी दी, तब जाकर मदरसे में पुलिस ने छापेमारी की। संचालक मोहम्मद साजिद के मुताबिक रमजान के दौरान शेरकोट के रफी नामक व्यक्ति से उसका विवाद हुआ था। रफि मदरसे में अपनी कार खड़ी करने आता था। अब उसे पूरा शक है कि रफि ने ही पुलिस में मदरसे से छापा पड़वाया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मदरसों में हो क्या रहा है। मदरसे जो इस्लाम में इल्म का जरिया माने जाते हैं, यहाँ पर निहायत बचपन से मुस्लिम परिवार अपने नौनिहालों को धार्मिक और अन्य मूल शिक्षाओं की जानकारी के लिए
आंखें बंद करके इन मौलवियों और उस्तादों के हवाले अपने बच्चों को कर देते हैं, उम्मीद के साथ कि उनका बच्चा एक तालीम याफ्ता इंसान बन सके। पर अक्सर घर वालों को मौलवियों के प्रति अंधभक्ति इन मासूम बच्चों पे बेहद भारी पड़ जाती है। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों के साथ अक्सर जातियों की खबरें आती है, दुष्कर्म की भी खबरें आती है, अक्सर निराधार खबरें नहीं होती। ये वीडियो देखिए, हमें मिला है जिसमें एक मासूम बच्चा बिलख रहा है अपने उस्ताद जिसे गिड़गिड़ा कर कह रहा है कि सबक सुना दिया आप, घर जाने दो, भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। लगातार भूख लगने की गुहार लगाते बच्चे की यहाँ कहीं दूर दूर तक सुनवाई नहीं है। इससे पूछा जाता है कि घर से खाना खाकर नहीं आया क्या, बच्चा बिलबिला रहा है, भूख से रो रहा है, मगर उसे सिर्फ सबक सुनाने के लिए कहा जाता है। मासूम बच्चा है ये, 3.5-4 साल का मुश्किल से रहा है और इससे सबक सीखने के लिए कहा जाता है, बनिस्पत इसलिए इसके कि उसे खाने के लिए कुछ दिया जाए। अलग बेटे कलमा पढ़, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चल सबक सुना दे। अलग बेटे ले सबक सुना। सबक सुना। अलिफ बा ता सा जीम। अलिफ बा ता जी जी रट्टी गंगा घर, रट्टी गंगा घर। तेरे मैंने क्या कहा तुझसे? मेरा घर रट्टी खा ले, घर जा रहा मैं। घर जा रहा तू? तू लग रही घर जा रहा। नाश्ता ना कर खाया था तू? ना। बर्गर ना खाया तुमने? ना। अच्छा अरे बेटे घर जा रहा मैं, घर जा रहा। चल सबक सुना दे, तेरी छुट्टी हो जाएगी। जी जी घर जा रहा मैं, घर जा रहा। हाँ घर जा रहा। घर जा रहा तू? अच्छा अब आप दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक बच्चा कुछ सुना रहा है, शायद ये कोई सबक है, और मंच पे ये सबके सामने सुना रहा है। बीच में एक व्यक्ति आ रहा है और उसे सबक से खुश होकर कुछ पैसे देना चाह रहा है। ऑलरेडी बच्चे के हाथ में कुछ पैसे हैं और ये व्यक्ति भी उससे पैसे देना चाह रहा है, पर इस बच्चे को ये बात कुछ रास नहीं आ रही है और अपने सबक में व्यवधान सा लग रहा है। शायद यही वजह है कि बच्चा अचानक से क्रुद्ध हो गया और उस व्यक्ति को अपनी चप्पल से मारने लगा। नजम पढ़ रहा क्या कर रहा? इस व्यक्ति ने भी इस बात को हल्के में ले लिया और हंस रहा है इस वीडियो में ये व्यक्ति। देखिए, क्या सभ्य स्कूल में एक बच्चे का इस तरह का व्यवहार स्वीकृत किया जा सकता है? या बहुत दिनों से जो आक्रोश बच्चे के मन में पल रहा था वो अचानक से फूट पड़ा? इतना गुस्सा और इतनी छोटी उम्र में किस बात के लिए? अब सोचने वाली बात यह कि मदरसों में चल क्या रहा है। इन वीडियोस को देखने पे ये पता चलता है कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन इन्हें अमानवीय तरीके से भावनाओं से रहित बनाया जाता है। भूख प्यास से ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है, इनके अंदर गुस्सा भर दिया जा रहा है। ऐसे बच्चे बड़े होकर किस रास्ते पे जाएंगे कोई भी अंदाजा लगा सकता है।
कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसे ही बच्चे बड़े होकर हुतात्मा चौक पर शहीदों के स्मारक को तोड़ते हैं, जुलूस के बहाने आम घरों में तोड़ फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाते हैं और मजहब की झूठी पट्टी पढ़ाकर पैसों के लालची ये इमाम मौलाना और मौलवी इन युवाओं को ISIS जैश ए मोहम्मद और अन्य कई आतंक के संगठनों में इन्हें भेजते हैं, इन गढ़ों में भेजते हैं और स्लीपर सेल या फिर मानव बम बनाकर इन्हें 72 हुनों का लालच दिया जाता है और ऐसे ही युवाओं की जिंदगी गर्क कर देते हैं। इन मौलियों को एक नियत पैसा मिल जाता है और बदले में ये आतंक का धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं। हथियारों का जखीरा एक मदरसे में मिलना बहुत गंभीर बात है। बिजनौर का तो एक ही मामला सामने आया है, न जाने ऐसे कितने मदरसे होंगे जहां मासूम बच्चों को इंसानियत की तालीम देने के बजाय उन्हें इबलीस का अनुयायी यानी कि शैतान का अनुयायी बनाया जा रहा है, मौत का सौदागर बनाया जा रहा है। अब वक्त आ गया है, जरूरत है सभी मुस्लिम परिवारों में चेतना जगाने की, ताकि वो अपने मासूमों को इन हैवानों के पास भेजने से पहले 10 दफा जांचें कि ये मौलवी, ये उस्ताद, ये मौलाना बच्चों को तालीम दे रहे हैं या मौत का सौदागर बना रहे हैं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।